नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी Flipkart सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम Flipkart की नई पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में Flipkart की तरफ से एक मेल आया जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने सेलर्स को काफ़ी बार नोटिफाई किया हुआ है कि वो अपने ऑर्डर के ऊपर जो शिपिंग लेबल लगा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का लगाएं, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो फॉरवर्ड और रिवर्स शिपमेंट के दौरान जो लेबल है वो फेड ऑफ हो जाएगा, जिस वजह से Flipkart की टीम उस ऑर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी और वो ऑर्डर कस्टमर तक सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पाएगा, और अगर उसका रिटर्न क्रिएट होता है तो वो सेलर को वापस नहीं मिल पाएगा, और कहीं ना कहीं इस वजह से सेलर के लिए एक टास्क बढ़ जाएगा कि उसे SPF क्लेम रेज करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं अगर आप शुरुआत में ही अच्छी क्वालिटी का लेबल लगाते हो तो फिर बाद में सप्लाई चेन में दिक्कत नहीं होगी और ऑर्डर सक्सेसफुली कस्टमर को डिलीवर भी होंगे, और अगर रिटर्न क्रिएट होता है तो सेलर को वो सक्सेसफुली वापस भी मिल जाएंगे। तो अभी जो नई पॉलिसी Flipkart लेकर आया है वो इसी शिपमेंट लेबल के बारे में लेकर आया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अभी तक जो हमारा शिपमेंट लेबल का साइज 4x6 हुआ करता था, अब से वो Flipkart ने उसका साइज 3x5 कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिड ऑफ जनवरी से, यानी कि 15 जनवरी के आसपास से आपका जो शिपिंग लेबल निकला करेगा वो दूसरे फॉर्मेट का निकला करेगा। पहले वो 4x6 साइज का हुआ करता था, अब से वो 3x5 साइज का निकला करेगा। सबसे पहला तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपने ये देखा होगा कि अभी जो शिपिंग लेबल निकला करते थे उस पर हमारा प्रोडक्ट का नेम जो है वो भी लिखा होता था, जिस वजह से हमें लगता था कि जो पिकअप बॉय हमारे ऑर्डर को ले जा रहा है वो शिपिंग लेबल देखकर ही पता कर सकता है कि पैक्ड ऑर्डर के अंदर क्या है, और पूरी सप्लाई चेन में जिसके भी हाथ से वो पैकेट निकलेगा वो इस चीज के बारे में आइडेंटिफाई कर सकता है। तो अभी जो नया शिपिंग लेबल Flipkart लेकर आया है जो कि 3x5 साइज का है, उसमें प्रोडक्ट का टाइटल नहीं हुआ करेगा और सिर्फ SKU ID ही लिखी होगी। तो एक तो यही बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि Flipkart शिपिंग लेबल में लेकर आया है, और ये बहुत ही अच्छा। इससे क्या होगा, जो पैक्ड ऑर्डर है उसकी आइडेंटिटी जो है वो सिक्योर रहेगी और कोई भी पता नहीं कर सकेगा कि उस पैक्ड प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रोडक्ट रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप थर्मल पेपर का यूज करते हैं शिपमेंट के लेबल के लिए, तो आपको ये लेबल Flipkart के ऑथराइज्ड वेंडर से ही खरीदने होंगे, और जो नए लेबल आएंगे वो 3x5 साइज के ही आएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। Flipkart का कहना है कि उन्होंने एक वेंडर इकोसिस्टम तैयार किया है इन थर्मल पेपर शिपमेंट लेबल के लिए, और हर जोन में वेंडर है, तो आप Flipkart के सेलर पैनल से ही जाकर इस थर्मल पेपर शिपमेंट लेबल को वहां से परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑर्डर टैब में जाएंगे तो वहां पर गेट Flipkart पैकेजिंग वाला ऑप्शन होता है, वहां पर जाकर आप शिपमेंट लेबल को परचेज कर सकते हैं। ये जो नया ऑर्डर है आप 28 दिसंबर से करना शुरू कर सकते हैं, यानी कि 28 दिसंबर के बाद से आप Flipkart की साइट पर ये नए थर्मल लेबर जो कि 3x5 साइज का है उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मिड ऑफ जनवरी में Flipkart न्यू फॉर्मेट जो है अपने पैनल पे भी लॉन्च कर देगा, तो जब अगर आप ऑर्डर का लेबल प्रिंट करोगे तो वो नए फॉर्मेट में ही निकला करेगा। और Flipkart ने यह बोल दिया है कि 1 फरवरी 2023 के बाद से अगर कोई सेलर इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि अगर वो थर्मल पेपर शिपमेंट लेबल Flipkart के ऑथराइज्ड वेंडर से परचेज नहीं करेगा, तो जो पिकअप बॉय हैं वो सेलर के ऑर्डर का पिकअप नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं वो ऑर्डर को रिजेक्ट कर देंगे। Flipkart ने क्लियरली सेलर को बोल दिया है कि अब से अगर आप थर्मल पेपर शिपमेंट लेबल खरीदते हैं तो Flipkart के ऑथराइज वेंडर से ही खरीदें, जो कि आप Flipkart के सेलर पैनल पर जाकर खरीद सकते हैं, और उसी के बेसिस पर पिकअप बॉय डिसाइड करेंगे कि आपका पैकेट जो है वो एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना, और ये चीज 1 फरवरी 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगी। कुल मिलाकर ये सब चीज Flipkart लेबल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा है, जिससे कि आपका ऑर्डर कस्टमर तक सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए और अगर रिटर्न क्रिएट होता है तो सेलर को मिल जाए, और सेलर जो है SPF क्लेम वगैरह उसे करने की जरूरत नहीं पड़े पैकेट लॉस्ट हो जाने की वजह से, क्योंकि उनने अपनी सप्लाई चेन में काफी सारे ऐसे पैकेट देखे हैं जिनके की लेबल जो है वो फेड ऑफ हो जाते हैं और जो पैकेट है वो मिस्ड हो जाता है, और ना तो वो कस्टमर तक पहुंच पाता ना ही वापस सेलर तक पहुंच पाता।
अब इधर आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, एक तो फ्लिपकार्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपके पास पुराना स्टॉक है तो आप उसे अभी खत्म कर लीजिए, और नया स्टॉक अगर आप खरीदते हैं तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदिए, क्योंकि नए टाइप का शिपिंग लेबल आने वाला है, वरना आप इन लेबल्स को दूसरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने यह भी मेंशन किया है कि अगर आप कोई थर्मल प्रिंटर खरीदने की सोच रहे हैं तो वो ज़ेब्रा ZD230 प्रिंटर को रिकमेंड करते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा क्वालिटी का प्रिंटर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक नया खरीदने की सोच रहे हैं तो ज़ेब्रा ZD230 प्रिंटर उन्होंने रिकमेंड किया है। अच्छा, एक चीज और, अगर अभी आप शिपिंग लेबल A4 साइज पेपर पर प्रिंट करते थे और अपने पैक्ड ऑर्डर के ऊपर टेप से स्टिक करते थे तो उन सेलर्स के लिए ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। आप जैसा पहले करते थे ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे और आपके लिए कोई भी एक्सेप्टेंस रिजेक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ पॉलिसी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो कि थर्मल पेपर का यूज कर रहे हैं पैकेट को पैक करने के लिए, और कहीं ना कहीं क्योंकि उनके लेबल रास्ते में फेड ऑफ हो जाते हैं इसलिए ये पॉलिसी उनके लिए आई है। तो अगर आप थर्मल पेपर यूज करते हैं तभी आपके लिए ये पॉलिसी एप्लीकेबल है। तो बस इस वीडियो में मुझे यही इंफॉर्मेशन देनी थी, यही नई पॉलिसी जो फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस की है उसके बारे में बताना था। आप भी अगर फ्लिपकार्ट के मेल को चेक करेंगे तो आपको भी इसके बारे में मेल डेफिनेटली आया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी और नई पॉलिसी के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू।